हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। और मेरा नाम है सुशील मिश्रा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और काफी पसंद किया मेरे वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो आगे हम यहाँ पे एक और ब्रांड न्यू बिल्डिंग लेके और एक नया फ्लैट लेके यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो है 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट, जो की साइज आपको मिलता है 902 का कार्पेट एरिया। ये मैं रेरा कार्पेट एरिया आपको बता रहा हूँ। और ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, 13 माले की बिल्डिंग है, जिसको डेवलप कर रहे हैं कानूनगो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और इनका ऑलरेडी मैंने एक 1 BHK का टेरेस फ्लैट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बात करते हैं इस फ्लैट के बारे में। ये 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट है, काफी स्पेशियस फ्लैट है। और जो एमिनिटीज भी आपको बिल्डिंग के अंदर मिलती है वो काफी अच्छी एमिनिटीज दी हुई है, जैसे कि आपको मिल जाता है क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, देन मल्टी कोर्ट है, नेट क्रिकेट पिच है। ये एक सिंगल बिल्डिंग का टावर है और काफी अच्छी एमिनिटीज के साथ में है। और बिल्डिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, इसको OC मिल चुका है। बात करते हैं लोकेशन के बारे में। ये एक प्राइम लोकेशन है, जहाँ से आपको नियर बाय में स्कूल, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल्स, ये सारी बेसिक चीजें होती है वो नियर बाय में है। 7 स्क्वायर अकेडमी स्कूल के पास में, दीपक हॉस्पिटल रोड पे। और फर्स्ट आप देखते रहिए पूरा वीडियो और कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो चलते हैं हम डायरेक्ट साइट पे और देखते हैं ये 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी साइट पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 13 माले का बिल्डिंग है और ये मेन एंट्रेंस है बिल्डिंग का। और आप देखिए काफ़ी स्पेस है बिल्डिंग के अंदर में। और जैसा ये ब्लैक टाइल्स आप देख रहे हैं, आपका पार्किंग एरिया है। फ्लैट के साथ में ही आपको मिल जाता है पार्किंग एरिया, हर फ्लैट के साथ में एक पार्किंग दिया हुआ है। काफ़ी स्पेशियस कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। और व्यूअर्स एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इनकेस अगर आपको भी आपका प्रॉपर्टी सेल करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नीचे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी एंट्रेंस पे, और ये देखिए विंग का एंट्रेंस है, काफ़ी खूबसूरत और लाविश एंट्रेंस बनाया हुआ है यहाँ पे बिल्डर ने। यहाँ पे आपको मिलता है, देखिए सिक्योरिटी डेस्क है, CCTV इंस्टॉल रहेगा कॉमन एरियाज में। और यहाँ पे बिल्डिंग 13 माले की है, और जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मिलता है आपको 2 लिफ्ट, एक आपका जो रहेगा मेन लिफ्ट है जो पैसेंजर लिफ्ट होगा, और दूसरा जो है सर्विस लिफ्ट है। अब देखिए काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस है, यहाँ पे मिलता है आपको 2 स्टेयरकेस बिल्डिंग में, काफ़ी लाविश एंट्रेंस है ये। और जो एंट्रेंस है यहाँ पे आपको देखिए AC लगा हुआ है, सो आपका एंट्रेंस जो रहेगा पूरा AC वाला एंट्रेंस है ये। यहाँ पे जो CCTV लगे हुए कॉमन एरियाज में, उसके लिए TV लगा हुआ है यहाँ पर, और सिक्योरिटी डेस्क है। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी फ्लैट के अंदर, और ये आप जैसा कि देख सकते हैं लिविंग एरिया है यहाँ पर, काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया है। और यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग एरिया के साथ में लिविंग एरिया। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट है। और आप देखिए स्पेस, जो भी विंडोज़ वगैरह दिया हुआ है, फ्रेंच विंडो है, और यहाँ पे आपको फ्लावर बेड अटैच मिलता है। यहाँ पर व्यू जो है ये बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से हम 13th फ्लोर पर इस वक्त हैं। आपको 2 से 2.5 फीट का जो मिलता है फ्लावर बैल्कनी, आप देखिए व्यू जो, ये मेरा भाई मेरा रोड का व्यू है पूरा फ्लैट के अंदर से। और ये ईस्ट साइड का विंडो है, यहाँ पर विंडो जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको मॉर्निंग का सनलाइट जो फ्लैट के अंदर डायरेक्ट आएगा। ये पूरा लिविंग एरिया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 0.5 BHK जो है वो ये एरिया है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए पूजा रूम, या आपको सेटअप करना है आपका जैसे वर्क फ्रॉम होम हो, ऑफिस टाइप के लिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं भी किचन एरिया, किचन आप जैसा देख रहे हैं आपको एज इट इज़ मिलेगा, फिनिशिंग वर्क करके मिलेगा आपको ये फ्लैट के अंदर पूरा। और वाटर टैंक का प्रोविज़न दे रहे हैं ये, किचन में ही अटैच है ड्राई बैल्कनी जो आपकी, 4 फिट का आपको ड्राई बैल्कनी मिलता है किचन में। अब देखिए काफ़ी स्पेशियस किचन है ये, और लॉफ्ट एरिया दिया हुआ है वाटर टैंक के प्रोविज़न के लिए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कॉमन बाथरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं फिटिंग्स वगैरह जो यहाँ पे लगेगी वो है कोलार ब्रांड की, काफ़ी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी व्यूअर्स कॉमन बेडरूम, कॉमन बेडरूम में आपको मिलता है वार्डरोब का स्पेस साथ में, और काफ़ी स्पेशियस रूम है ये देखिए आपका। और इसमें भी अटैच है आपका जो फ्लावर बैल्कनी, वो 4 फिट का बैल्कनी आपको मिलता है कॉमन बेडरूम में। देखिए काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, व्यू वगैरह जो है काफ़ी ओपन व्यू मिलता है आपको फ्लैट के अंदर से, और हर तरफ से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है फ्लैट के अंदर। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी कानूनगो बिल्डर्स की है, और उनका ही बनाया हुआ है, पोजीशन दे दिया है इन्होंने। ये बिल्डिंग का भी पोजीशन स्टार्ट हो गया है,
ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सेकेंड बेडरूम और जो मास्टर बेडरूम है ये देखिए आप स्पेस देखिए बेडरूम में काफ़ी अच्छा दिया, वर्क क्वालिटी काफ़ी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छा है ये बिल्डर का और इनका नाम है मीरा फाइंडर में। और यहाँ पे आपको फ्लावर बैल्कनी मिलता है 2 से 2.5 फीट का मास्टर बेडरूम में। प्रोविजन दिया हुआ है वाटर टैंक का और बाथरूम्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो कनेक्शन आएगा आपको MBMC का वाटर आएगा और फ्लश में आपको 24 आवर्स वाटर मिलता है। तो मैंने आपको दिखाया अभी 2 बेडरूम, तो लेके चलता हूँ आपको 3रे बेडरूम में जो कि काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। ये आप देखिए पूरा स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे बेडरूम में और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंच विंडो, यहाँ पे 3-3.5 फीट की बैल्कनी जो मिलती है, ड्राई बैल्कनी, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया व्यू है और काफ़ी स्पेस है फ्लैट के अंदर। देखिए फ्लावर बैल्कनी है ये बेडरूम में अटैच है, सारे बैल्कनीज जो है आपको यहाँ पे अटैच मिलते हैं। ये आपका दूसरा मास्टर बेडरूम है और ये बाथरूम है। यहाँ पर बाथरूम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है अभी काम बाकी है, थोड़ा काम करके देंगे। यहाँ पे बाथटब लगा के मिल रहा है आपको। तो व्यूअर्स आगे हम अभी टेरेस पे और आप देखिए टेरेस का एरिया है ये पूरा फ्लैट के साथ में ही। यहाँ टेरेस पे से आपको पूरा मिलता है जो है मीरा भाईंदर का व्यू। ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ मीरा रोड का व्यू पूरा, यहाँ से ही पूरा भाईंदर का व्यू आपको मिलता है, भाईंदर क्रिक का व्यू पूरा है फ्लैट के अंदर से। और यहाँ पे सिट आउट भी बनाया हुआ है टेरेस पे। तो ये था 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट पूरा अभी आपने देखा। सो आप होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपको एमिनिटीज़ भी दिखाने वाला हूँ बिल्डिंग के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिलती है। तो व्यूअर्स आगे हम अभी क्लब हाउस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कॉमन क्लब हाउस है बिल्डिंग्स का। और बिल्डिंग के बाहर हम आ गए हैं अभी नीचे। यहाँ पे आप जैसा ब्लैक टाइल्स आप देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया मिलता है, देन नेट क्रिकेट पिच है, मल्टी कोर्ट है, सिटिंग एरिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो में। आप देखते रहिए पूरा वीडियो। ये एमिनिटी सेक्शन है, सिंगल बिल्डिंग के लिए ही काफ़ी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे बिल्डर ने। काफ़ी नीचे आपको स्पेस मिलता है बिल्डिंग के। और ये देखिए आप बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है बिल्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर बिल्डर ने। यहाँ पे आपको जॉगिंग ट्रैक के साथ में देखिए सिटिंग एरिया मिलता है, सीनियर सिटीजन कॉर्नर है ये। देन ओपन जिम का कंसेप्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर, आपको भी दिखाता हूँ मैं ये वीडियो में। सिटिंग एरिया को ही लग के आपको ओपन जिम मिल रहा है, ये मैं आपको ओपन जिम दिखा रहा हूँ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन क्लब हाउस भी है बिल्डिंग के अंदर। तो ये था एमिनिटी सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया बिल्डिंग के नीचे आपको मिलता है यहाँ पर। तो व्यूअर्स आगे हम अभी क्लब हाउस के बाहर, क्लब हाउस के अंदर भी क्या क्या एमिनिटीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे आपको क्लब हाउस में ही मिल जाता है, जैसे कोई फंक्शंस वगैरह करना है, पार्टी आपको करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको एरिया मिलता है क्लब हाउस के अंदर। ये 2 फ्लोर का है। इंडोर गेम्स भी क्लब हाउस के अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि कैरम है, टेबल टेनिस है, चेस वगैरह, ये इंडोर गेम्स के लिए ग्राउंड फ्लोर पर दिया हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर पे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। तो व्यूअर्स अभी आपने देखा 3.5 BHK का टेरेस फ्लैट। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा प्राइस के रिगार्डिंग में, डियर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। इनकेस आपको इमेजेस वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको इमेजेस वगैरह इसके दे दूंगा। सो आप देखते रहिए ऐसे ही मेरे वीडियोस को और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।